बात यादव जी कैसा? क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों? सारे लोग अपनी बिरादरी को देख रहे हैं, हम नहीं देखेंगे अपनी बिरादरी को? कहाँ गांव में मकान मिला है आप बताइए। इसके पहले कि हमारे मोहल्ले में 10 मकान बने थे, ये बता रहे भैया, क्या नाम हो गया? चार बनाए, जावेद अख्तर चार बने। यादव जी कह रहे हैं कि मकान भेदभाव इनकी सरकार में। ज्यादा दूरी न जाइए, बस यही 4 फुट की गली है, कैमरा घुमाइए मकान दिख जाएगा। गांव की स्थिति में देख रहा हूं, गांव में बहुत आवाज बढ़ा। यादव जी कह रहे हैं वहाँ से नहीं बना है, हमारे गांव में बना है, हमारा खुद आया है। सुनिए, 5 साल में सबसे कितने यादवों का इनकाउंटर हुआ, पता है आपको? इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से बांट है, कहते हैं जो गलत करेगा उसके पे बुलडोजर चलेगा। जावेद अख्तर जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? बाबा जी आएंगे जी। कैसे आएंगे? सपा के फायदा गिनाएं या भाजपा के गलतियां सुनाएं? जो भी आपका मन हो गिनवा दीजिए जरा। सपा सरकार में जो दंगे हो रहे थे उसमें अखिलेश जी ने सबसे अच्छा काम ये किया है, जो हजारों के तादाद में अपने घरों को छोड़कर मैदानों में चले गए थे वो उनके लिए अच्छा था, लेकिन बाबा के सरकार में सबको आवाज मिल गया, ये बाबा बुरा कर दिए। बाबा बुरा कर दिए, एकदम बुरा कर दिए। अच्छा। सपा के सरकार में जो घर से भागे हुए थे, जिन्हें लाइटरिंग करने की जगह नहीं थी, वो ठीक था, पर इस सरकार में जो शौचालय दे दिए वो एकदम गलत कर दिए। जो खाने के लिए तड़प रहे थे दंगे में, इस समय जो राशन मिल रहा है ये बाबा देकर गलत कर रहा है जी। मतलब कि बाबा जी ने घर दे दिया, राशन दे दिया, शौचालय दे दिया, बुरा कर दिया। जनता को यही बुरा लग रहा है क्या? जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान भी इसी नाराज की दिखे, ये तो मुसलमान इस बार वोट देंगे। कब से? हाँ, अखिलेश जी बका, ये तो हमें बहलाया जा रहा था ना। हमारे घर के पीछे चले जाइए गली में, एक झोपड़ी में औरत टाफी बेचती थी, ये गली 4-3 फुट का है, इसके अंदर जाइए, 3 मतलब दिमाग मानसिक संतुलन से कमजोर है, वो वर्षों से है लेकिन बूढ़े हो गए, उनकी घर नहीं बनी, आज जाके देखिए एक तल्ला बना हुआ है, आवास से बना हुआ है, ठेला चलाने वाले का घर इसी सरकार में बना है। बस यही गलतियां हैं भाजपा की, और कोई गलतियां नहीं है, यही गलतियां, उन्होंने घर भर दे दिया, बस यही गलतियां। सो ये बताइए, इस बार कह रहे हैं कि मुसलमान और यादव एक हो गया, और वो अखिलेश भैया की साइकिल चलाने को तैयार है। Y+M+ जो Y समीकरण है, हाँ। इतना शानदार है कि पूछिए मत। हाँ। जो सुनील सिंह है, हाँ। जो कहा कि मुसलमानों के माँ बहनों को कब्र से निकालकर हम उनका रेप करेंगे, हाँ। उन्हें वो सपा के सदस्यता दे दिए। मुसलमान 3 तलाक के नाम पर हवसी बनते हैं, हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे दिए, वो DSP जियाउल्लाह खान के हत्यारे जो आरोपी हैं गुलशन यादव, उनको उन्होंने टिकट दे दिया। ये M+Y समीकरण है। हाँ। जी, ये समीकरण है जी। तो इस बार क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि M+Y मोदी योगी है, ऐसा भी है क्या? मोदी हो सकता है जी। तो इस बार साइकिल चलवा रहे हैं या बुलडोजर, ये बता दीजिए बस। जो भी चले, बस सरकार अच्छा चले। हाँ, वैसे तो इसी सरकार में लगा अच्छा चला है जी। क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम आकाश कुमार है सर। आकाश कुमार, क्या लग रहा है इस बार, बाबा जी आ रहे हैं या अखिलेश भैया जी आ रहे हैं? जी सर, हमको तो लग रहा है कि बाबा जी आ रहे हैं। सतीश यादव जी, क्या लग रहा है इस बार? अखिलेश यादव। क्या बात, यादव जी कैसा? क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों? सारे लोग अपनी बिरादरी को देख रहे हैं, हम नहीं देखेंगे अपनी बिरादरी को। यादव जी को क्यों देख रहे हैं? देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। जब ठाकुर साहब को देख रहे हैं तो यादव जी को देखने में क्या दिक्कत है? आप इस बार क्या लग रहा है, जातिवाद इलेक्शन हो रहा है? इस बार जातिवाद की इलेक्शन है ये नहीं है, इस बार नस्तो नाबूद करना है उनको, जिन्होंने महंगाई को कमर तोड़ दिया है महंगाई के लिए, और जनता में भेदभाव की राजनीति करना इस बार महंगा पड़ेगा उनको। जनता ने मन बना लिया है, बदलाव होगा। किस तरीके का भेदभाव आपको नजर आया? ये पूरी तरह से भेदभाव हो रहा है, बताइए किस तरीके का, यही तो पूछना चाह रहे हैं। क्या लगा आपको कि भेदभाव हो रहा है? भेदभाव सब कह रहे हैं कि मकान दिया मुसलमानों को भी दिया, हिंदुओं को भी दिया, ऊंची जाति को दिया, नीची जाति को दिया, दिक्कत कहाँ है? क्या भेदभाव आके देख लीजिए ना, कहाँ गाँव में मकान मिला है आप बताइए। इसके पहले कि हमारे मोहल्ले में 10 मकान बने थे,
ये बता रहे भैया, क्या नाम हो गया? चार बनाए, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर बने हैं। यादव जी कह रहे हैं कि मकान वकान भेदभाव इनकी सरकार में। ज्यादा दूरी न जाइए, बस यही चार फुट की गली है, कैमरा घुमाइए मकान दिख जाएगा। बताइए, कह रहे भेदभाव तो हुआ यहीं से कुछ दूर चलिए, गांव में चलिए, गांव में स्थिति में दिखाता हूँ आपको, गांव की स्थिति में देख रहा हूँ। गांव में बहुत आवाज बढ़ा। यादव जी कह रहे हैं वहाँ से भी बना है हमारे गाँव में बना है, हमारा खुद आया है, आवास आवास भी आया है, सबके पड़ोसी का नहीं है, ठीक है, शौचालय भी है, घुस में भी एक भी पैसा नहीं दिया है। यादव जी का मकान नहीं, एक भी पैसा घुस नहीं दिए है, ठीक है, हमारा आवास आया है, शौचालय भी आया है, ठीक है, प्लस श्रम कार्ड पर भी 1,000 रुपया आया है, अभी 2 महीना में 1,000 रुपया भी आ गया है। क्या कहोगे भैया, इनका तो मकान आया, 1 महीना में 2 नहीं भी राशन भी मिला है हमको, कोई अभी सोचा भी नहीं होगा कि सरकार रिफाइंड बांटेगी राशन पर, नमक भी बांटेगी, कोई अभी सोचा भी नहीं होगा, मोदी राज में हमको नमक भी मिल रहा है और हमको तेल भी, फॉर्चूनर तेल भी मिल रहा है खाने के लिए, चना भी 1 किलो मिल रहा है, अब हमको क्या चाहेगा ये बताइए। यादव जी कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है इनकी सरकार में, आप बताइए। भैया जी अपने अपने सरकार में सभी बदलाव करेगा, हमारे हम देखिए सोनकर है, ठीक है, हम किसी को पक्ष नहीं लेते हैं, जो हमके देगा जो उसका पक्ष हम लेंगे, किसी को पक्ष नहीं लेंगे भैया, किसी का पक्ष नहीं लेंगे, किसी को हम पक्ष नहीं लेते। अंकल जी कह रहे हैं मकान वकान भेदभाव हो रहा है, थोड़ा हमें भी समझा दीजिए, क्योंकि हम तो बाहर से आए हैं, जो यहाँ की जनता है वही बताएगी क्या सही है क्या गलत है। सबका विकास हो रहा है यहाँ, हाँ, इसलिए योगी और मोदी दोनों लोग कह रहे सबका विकास हो रहा है, सबको मकान मिल रहा है, कहाँ दिक्कत, भेदभाव पूरी तरह से हो रहा है। क्या भेदभाव, नमक नहीं चाहिए हमें, चना नहीं चाहिए हमें, रोजगार चाहिए, युवा रोजगार मांग रहा है। तो आपने बात, आपने भी रोजगार की बात कही, आपने तो सीधा कहा मैं यादव हूँ, यादव जी को वोट करूंगा, आपने तो कहा नहीं कि मैं रोजगार के मुद्दे पर वोट करूंगा। सरकार की बात किया हूँ मैं, ये नहीं कहा हूँ, सारे वर्ग के लोग इस बार अखिलेश यादव की तरह भरी निगाहों से देख रहे हैं, जिस तरीके से 5 साल में कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और हत्या और लूट बलात्कार जैसे बढ़े हुए हैं, जितना इसलिए इस बार यादव, नहीं नहीं यादव जी की बात छोड़िए ना भाई, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, यादव जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव, बिल्कुल बिल्कुल। बोलू सोनकर द्वारी घाट, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। सदस्य हो, नेता जी हो गए फिर तो, कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं बीजेपी वालों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में कहा दंगा हुआ है, कहा बलात्कार हुआ है, कुछ नहीं कहीं कुछ नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ये तो सरकार कोई देख रहा है कि बुलडोजर चल रहा है, अपराधी जेल के अंदर ऑटोमेटिक चल जा रहे हैं, गुंडे अपराधी जेल के अंदर सलाखों के अंदर है, गरीब को अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, गरीब को टूटा ही मकान से मकान देने का बात, भेदभाव करते हैं ये लोग, कहीं मैं सुनकर कोई भेदभाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जितना शानदार गरीबों का मकान बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसके पहले कोई सरकार नहीं किया, कोई सरकार नहीं किया, जो लोग लिया है वो भी ज्यादा विरोध कर रहे हैं, एक आवाज के किसी आवाज 50-50 लिया गया है, एक आवाज के पीछे 50-50 हजार रुपए लिया गया है, 50,000 रुपए लिया गया भैया, 50,000 लिया गया, गलत बात है सर, हमारे खुद आवास आया है, हम खुद बनवाए हैं, एक भी पैसा नहीं दिए हैं, कैसे कह रहे हैं 50,000 रुपए, सुनने वाले का भगवान दिए हैं, बोलने वाले के मुँह, ठीक है ना, कान दिए सुनने वाले के, ठीक है ना, जब हम नहीं दिए तो किसी को नहीं कहेंगे, गलत हुआ है आदमी, कह रहे दिए नहीं तो क्या कहे, भाव की बात कर रहे हैं तो एक अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि वो ठाकुर है तो खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है, अगर कोई अगर यादव होता तो जेल में होता, अच्छा, के ऊपर बुलडोजर चलता है, विकास दुबे यादव है, यादव है वो नहीं, जातिवाद क्या, सुनिए आप सुनिए आप, अब आप आ गए कि यादव, सुनिए 5 साल में सबसे कितने यादवों का इनकाउंटर हुआ पता आपको, सबसे ज्यादा यादवों का इनकाउंटर हुआ आपने, कितने यादवों का, आप देखिए आप रिपोर्ट ला के देखिए ना, आप ही तो यादव जी का आया कि यादव को मार दिया था, बताइए क्या यादव के, क्यों नहीं, एक अब क्या नाम हो गया अम्मा, नाम क्या हो गया अम्मा, मेरा आदिशुन नाम है, आदिशुन, ये बताइए ये सरकार अच्छी है या बुरी है पहले तो ये बताइए, नहीं बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार, ये क्यों बढ़िया सरकार है,
ये बढ़िया एक आवास का घर दे रही है, बनवाने के लिए छा भी करी है। अच्छा, आवास दे रही है। हाँ, खाना को भी दे रही है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवास उबास तो मिला नहीं, पैसे ले लिए इन्होंने तो। नहीं, बहुत कुछ दिए आवास में। हाँ, कितना दे ले? घूस दिए घूस 2000 कह रहे 50,000 दिए। राशन पानी मिला है? हाँ, सब कुछ मिला है। तो ये कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है इनकी सरकार में? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अखिलेश भैया जी, अखिलेश भैया आ रहे, रुक जा। अखिलेश भैया जी भी हैं। अखिलेश जी की सरकार नहीं बननी क्या? नहीं, अखिलेश जी क्यों नहीं? कहे न बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे, क्यों बनेंगे? ये जनता के सबका पेट भर रहे हैं, उसी लिए बनेंगे। पेट भर रहे हैं? अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो हम भी पेट भर देंगे। नहीं भरेंगे क्या? पहले अपने भरसा में भरेंगे, दूसरे के भरसा में तो भरेंगे। अच्छा, दूसरी भाषा कौन सी? दूसरी भाषा? दूसरी भाषा तो ये महिलाओं की, एक मिनट आ जाइए, सुरक्षा की हम बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की, तो क्या महिला सुरक्षित है इनकी सरकार में या अखिलेश जी की सरकार में सुरक्षित? नहीं, मोदी जी की सरकार में सुरक्षित है। हाँ, इस बार आ रहे हैं योगी जी? हाँ, बार आ रहे हैं। क्या नाम हो गया? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल, योगी जी अखिलेश भैया जी? सबका देखिए, सबका दिमाग होता है। हाँ, अपने सोच में सब लोग रखे हैं किसको वोट देना है, जो जैसा पाएगा वो इसके साथ चलेगा। हाँ, सीधी सी बात है, जो खाएगा उसका गायेगा। क्या कर रहे हो? नहीं, इशारा नहीं कर रहा है, ये तो मालूम है सब लोग ना किस पार्टी से है। सबको मालूम किस पार्टी से, जिस पार्टी से पूछे वो पार्टी का बढ़ाई करेगा। हाँ, सीधी सी बात है। हाँ, बता दिया आप किस पार्टी को? हम जो बढ़िया काम करे सत्य के साथ। हाँ, तो जो 5 साल कैसे लगे, अच्छे या बुरे? अच्छा है भाई, अच्छा है, सबका अच्छा है। तो इस बार आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं एकदम। आने नहीं देंगे अखिलेश भैया, तैयार है, पूरे साइकिल चलवा रहे हैं। नहीं देंगे, आने वाला आ जाएगा, कांग्रेस थोड़ी कोई रोक लेगा। विधानसभा, मधुबन विधानसभा की, मऊ जिले की जनता इस बार मन बना चुकी है कि बाबा जी को लाए। हाँ, पूरा सपोर्ट है सबका। क्या भैया जी, योगी जी की सरकार फिर बन रही है? योगी जी की जी। कह रहे अखिलेश भैया जी आ रहे हैं दमखम से, बुलडोजर फिर चलेगा दंगाइयों पर। जी जी, इसमें सबको देखिए, इसका मतलब योगी जी का जो काम है वो सबसे बढ़िया है। सरकार 5 साल जो चले है बहुत बढ़िया चली है, बढ़िया चली है। सबको आवास, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सब मिल रहा है। राशन पे तो लड़ाई हो रही, कह रहे भेदभाव करते हैं। जो आप जो बल जो जो विपक्षी जो पार्टी से जुड़े हैं वो तो कहेंगे, लेकिन जो सरकार जो चलाई है बहुत बढ़िया चली है। बढ़िया चली है, बहुत बढ़िया। तो इस बार उम्मीद है जी, योगी जी 2022 में फिर आ रहे हैं पूर्व बहुमत से। अंकल जी, क्या नाम हो गया आपका? पप्पू गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस बार, साइकिल या बुलडोजर? बुलडोजर। बुलडोजर, साइकिल, बुलडोजर, 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 बस बुलडोजर पे मोहर है इस बार? इस बार मोहर है साइकिल? नहीं, बुलडोजर है।